Red team is leading as domination enters the second half. Nice shot! Cover me! तो आप लोग देख ही चुके होंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से मैंने एकदम क्लीन ऑडियो रिकॉर्ड किया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है मेरे गेम की। तो कैसे मैंने किया है ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, फिर से वेलकम टू माई चैनल एडमेंस टेक्नो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्लीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग एकदम साफ़ सुथरा एकदम अच्छा क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी इंटरनल ऑडियो के साथ में। आप गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो अपना और यूट्यूब पे डाल सकते हो इजीली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने यही बताया कि किस तरह से आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अपना गेम प्ले कर सकते हो, दिखा सकते हो यूट्यूब पर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना कि किस तरह से मैंने अपना गेम प्ले रिकॉर्ड किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो आपको जाना है प्ले स्टोर के पास। प्ले स्टोर पर जाओगे आप तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है स्क्रीन रिकॉर्डर, CRWN स्क्रीन रिकॉर्डर। ऐसे जब आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे ये जो चौथे नंबर पे स्क्रीन रिकॉर्डर दिखा रहा है, नो एड्स दिख रहा है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसी को आपको इंस्टॉल कर देना है। तो मेरे फ़ोन में ये हम इंस्टॉल कर चुके हैं पहले से, तो हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग चेंज करने होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे रिजोल्यूशन अपने मर्ज़ी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो आप। अगर आपके फ़ोन में अच्छा स्टोरेज है तो आप हाई रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग करते वक्त आपका जो गेम लैग होगा वो इसी से होगा। अगर आपका रिजोल्यूशन जितना हाई रहेगा वहाँ पे गेम लैग ज़्यादा होगा, इसलिए हम रिजोल्यूशन को मीडियम पे सेट कर रखे हैं। और यहाँ पे आपको जाना है बिटरेट। बिटरेट जितना ज़्यादा होगा आपका फाइल साइज वीडियो का उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पर भी मीडियम करके रख चुके हैं ताकि ज़्यादा लंबा फाइल ना बने। और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 120 FPS हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे। और फ्रेम रेट सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ये रिकॉर्ड ऑडियो जो है माइक्रो यूज माइक्रोफोन, इसको इनेबल कर देना है। और ऑडियो का जो बिटरेट है वो 320 KBPS कर देना है ये। और यहाँ से आपको जाना है ऑडियो सैंपल रेट, ये सबसे मेन है, ये 44100 HZ पर सेलेक्ट हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे 48000 हर्ट्ज़ पे कर देना है। और यहाँ पे आपको जाना है ऑडियो चैनल स्टीरियो, यहाँ पे आपको स्टीरियो सेलेक्ट कर देना है। और स्टीरियो सेलेक्ट करने के बाद ये ऑडियो सोर्स जो है ये यहाँ पे आपको अनप्रोसेस्ड रॉ पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम करना है, आपका ये सेटिंग रेडी हो चुका है। और यहाँ पर जब आप ये सब सेटिंग कर चुके होंगे तो आपको जब रिकॉर्डिंग करना होगा तो आपको इस वीडियो वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और फिर ये इस साइड वाले वीडियो आइकन पर क्लिक कर देना है। और वीडियो आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जब इसको स्टार्ट करना होगा, तो जैसे हम अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करने वाले थे, तो जैसे हम यहाँ पे अपना गेम प्ले चालू कर दे रहे हैं। और गेम प्ले चालू होने के बाद आप यहाँ से ईजिली इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करने से फ्रेंड्स एक बात और ध्यान में रखना, अगर आप अपना वॉइस भी इसमें रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये ट्रिक सही है, लेकिन आप केवल गेम ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो जिसमें आप वॉइस रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो आपको अपना हेडफोन का जो ये जो कॉल रिसीव करने वाला बटन है उसको दबा कर रखना पड़ेगा, क्लिप के सहारे से उसको दबा कर रखना पड़ेगा, जिससे आपका वॉइस या बाहर का जो आपके आसपास इन्वायरमेंट का जो वॉइस है वो रिकॉर्ड ना हो। और फ्रेंड्स, इतना करने के बाद जब अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करोगे तो जो वो ऑडियो होगा वो स्टीरियो क्वालिटी में नहीं होगा, वो मोनो में होगा, क्योंकि स्टीरियो क्वालिटी में एंड्रॉयड रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है, केवल और केवल
कुछ गेमिंग फोन्स और आईफोन में ही ये हो पाता है, और पीसी में तो आराम से हो जाएगा। कोई भी पीसी हो या लैपटॉप हो, उसमें आप स्टीरियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन आप एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं कर सकते। कुछ ही फ़ोन ऐसे हैं जो मैंने पहले बताया, ROG फ़ोन 2, ब्लैक शार्क 2, जो गेमिंग फ़ोन है, जो स्पेशल गेमिंग के लिए बने हैं, उसमें ये फीचर अवेलेबल है। उसका हार्डवेयर उस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है, तो उसमें ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें जो होगा वो मोनो रिकॉर्डिंग होगा। स्टूडियो और मोनो क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। तो स्टूडियो जो क्वालिटी होती है, जो आप सॉन्ग सुनते हो तो लेफ्ट या राइट जो 3D मोमेंट जो होता है वो स्टूडियो क्वालिटी में आता है। जैसे आप जो गेम खेलो, जैसे हम पबजी गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे जो लेफ्ट राइट से जो एनिमी का मोमेंट होता है, हमको ये पता चलता है कि लेफ्ट से एनिमी आया या राइट से एनिमी आया। तो जो लेफ्ट और राइट का जो साउंड होता है, अलग अलग स्पीकर से आता है, तो वही जो साउंड हम बोल रहे हैं वो स्टीरियो क्वालिटी है। वो जो गेम का जो साउंड होता है वो स्टीरियो क्वालिटी में होता है। लेकिन आप यहाँ, आपका जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा वो मोनो में होगा। जब आप रिकॉर्डिंग करके जब देखोगे आप, तो एनिमी कहीं से भी आएगा तो आपको पीच से ही आपको पता चला कि यहीं से एनिमी आ रहा है। बस आपको इधर उधर से पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि यहीं से एनिमी आ रहा है, बीच से, और लेफ्ट राइट का पता आपको नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग जब देखोगे तब। लेकिन जब आप गेम प्ले करोगे, जब खेलोगे, तो उस टाइम आपको स्टीरियो क्वालिटी में पता चलेगा कि हाँ लेफ्ट से आया या राइट से आया। ये जब शुरू से आप गेम खेलते आ रहे हो उस टाइम से, तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो यही मैंने डिस्कस हम करना चाहते थे, ये जो आपका जो रिकॉर्डिंग होगा वो मोनो क्वालिटी में होगा, स्टीरियो क्वालिटी में नहीं होगा। तो यही एक डिसएडवांटेज है। और इस अगर आप स्टीरियो क्वालिटी में रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पीसी का ज़रूरत पड़ेगा। आपको एंड्रॉयड से भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए पीसी का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको उसमें ऑक्स केबल लगा करके ऑडासिटी नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना पीसी में, उससे आप आसानी से स्टीरियो क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो। और फिर उस रिकॉर्डिंग फाइल को और भी आपका जो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको एक साथ मर्ज करके वीडियो को आसानी से बना सकते हो। तो ये सिंपल ट्रिक हो गया पीसी के लिए। लेकिन आपके पास न पीसी है, न आईफोन है, न एक अच्छा गेमिंग फ़ोन है, आपके लिए आपके पास एक सिंपल फ़ोन है जिस पे आप गेम कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने ये सब बताया है। और ये जो क्वालिटी होगी, ये भी एंड्रॉयड के लिए जहाँ तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ तक मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए, अच्छी क्वालिटी में हो सके। एंड्रॉयड में इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो गेम, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ फ्रेंड। इससे अच्छा क्वालिटी में आप एंड्रॉयड फ़ोन में गेम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना इस तरह के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।